गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने कल पढ़ा था फोर फंडामेंटल रूल्स के बारे में, ठीक है, जिसमें आपने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, इवन नंबर, ओड नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। आज हम उससे नेक्स्ट वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो है, जो कि फर्स्ट डेफिनेशन है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अ नंबर, इट इज़ डिविजिबल बाई वन एंड इट सेल्फ ओनली। ऐसे नंबर जो कि सिर्फ वन से डिवाइड होते हैं या खुद अपने आप से डिवाइड होते हैं, इट सेल्फ मतलब अपने आप से डिवाइड होते हैं, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। इन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसा कि आप 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, ये देखिए, 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 ज़ा 2, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है, 0, ठीक है। या फिर हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 1 ज़ा 2, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 0, ठीक है। तो ऐसे वाले नंबर जिनको हम सिर्फ 1 से या उस नंबर को खुद से ही डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अ नंबर अदर देन वन विच इज़ नॉट प्राइम इज़ अ कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर मतलब वन को छोड़ करके जितने भी नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे उन नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए आपको दिया गया है 4, 6, 8, 9, 10, ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है आपके पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अ नंबर इज सेड टू बी अ रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द पीक्यू फॉर्म। ऐसे नंबर जिनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं वो नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मतलब कि जिसको हम न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू वी अ इंटीजर, पी और क्यू जो होंगे इंटीजर होंगे, इंटीजर्स मतलब वो कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, 1, 2, 3 या -1, -2, -3, मतलब उसमें पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, इसमें 0 भी इंक्लूड होगी, ठीक है। बट क्यू वी नॉट अ 0, लेकिन ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो क्यू है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर क्यू 0 हो गया तो हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी, तो ये बोल रहे हैं कि जो क्यू है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, 3/5, -3/4, 0/4, 2/-5, ऐसे नंबर लिख सकते हो, लेकिन जो क्यू है, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होते हैं अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द पी क्यू फॉर्म। ऐसे नंबर्स जिनको हम पी क्यू की फॉर्म्स में नहीं लिखेंगे या हम नहीं लिख सकते हैं, उन नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर। वेयर पी एंड क्यू आर अ इंटीजर, ठीक है, कि इन्होंने भी यही यहाँ पे यही बोला है कि जो पी और क्यू हैं वो क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर्स का मतलब है जिसमें सारे ही नंबर आ जाएंगे। क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 कि ये वाली जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, 5/2, 2/3, 5/3, ऐसे वाले नंबर जो होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर,